कैसा किया हूँ, थोड़ा भी टूटा नहीं है फ्रेंड्स। कभी कभी गलती से निकल जाता हूँ तो वो लोग, जैसे जो बड़ी बड़ी लड़कियाँ लोग हैं तो मुझे जैसे देखते हैं ना, वो लोग भाग जाती हैं वहाँ से। तो मुझे मतलब बहुत शर्मिंदगी महसूस, थोड़ा डर की बात भी है ना, जो भी कहना है साफ साफ कहना है, थोड़ा डर भी लगता है मुझे अगर कोई बात हो गया तो सीधा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, मैं ऐसा करता हूँ बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स रात का टाइम है और रात बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं चल रहा हूँ खाना बनाने, क्योंकि रात अपनी है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत टेंशन नहीं है। अगर टाइम आपको दिखाऊँ तो कितना टाइम हो गया है, यहाँ देख सकते हैं 8:42, तो 8:42, 8:30, 9:10, 11, इंडिया का 11:12 हो रहा होगा, 2.5 घंटे का अंतर होता है। तो फ्रेंड्स अभी आज चल रहा हूँ मछली बनाने के लिए। मैं सोचा कि ज़्यादा दिन बाद मछली बना रहा हूँ तो क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाऊँ, ब्लॉग बनाऊँ, आप लोग भी देखेंगे फ्रेंड्स। तो अभी मछली मैं निकालूँ और आप लोगों को दिखाऊँ फ्रेंड्स कि मेरा मछली कैसा हो गया है। और यहाँ जो देख रहे हैं आप लोग, तलाजे में पूरा भरा पड़ा है, सब कुछ खाने वाला ही है। और इसमें कुछ सामान जो कि हमारा कपिल भी दिया, और कुछ सामान ऐसा है जो कि मैं खुद खरीद करके लेकर के आया हूँ। पर ऊपर जो भी आप लोग देखे हैं सब खाने पीने वाला सामान, मतलब कि ये मीट मछली ही है। तो यहाँ देखिए, इसमें से मैं खोल के निकालूँ और आप लोगों को दिखाऊँ फ्रेंड्स। तो यहाँ देख सकते हैं कैसा हो गया होगा, अभी आप लोग देखिए बर्फ़ की तरह एकदम जम गया होगा। ये पन्नी जो हमारा है ना टाइट हो गया है, इसके वजह से नहीं खुल रहा है। देखिए ये जो गांठ है टाइट हो गया है। तो यहाँ देख सकते हैं, और मैं पहले ला लूँ धोने के लिए, किस में धोऊंगा। और मैं ज़्यादा नहीं लूँगा फ्रेंड्स, ज़्यादा ज़्यादा वही दो चार छः पीस, और एक पीस हो सकता है निकालूँ ज़्यादा इसका फ्राई करके खाने के लिए। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से मछली हो गया, ये फ्रिज में रखे। यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके अच्छे से आप लोगों को दिखाऊं फ्रेंड्स, अभी देखिए अच्छे से दिख रहा होगा। ये कागज़ इसके ऊपर, मछलियों के ऊपर स्टिकर रहता है ना, यहाँ देख सकते हैं स्टिकर है। और एक ये 2-3 पीस निकाल लिया, और 4, 5, 1, 6, 7, यहाँ देखिए 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7 पीस निकाल लिए, काफ़ी है। बाकी इतना सारा बचा है, आप लोग देख सकते हैं। ये मछली अभी रख दे रहा हूँ, और भी मछली है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मछली है जो कि अपने ससुर जी के पास से लेकर आया था, वो दूसरा मछली, वो भी किसी दिन मैं बनाऊंगा, पर आज इसी को बनाऊंगा। और ये मछली आप लोग पहचान रहे होंगे, अगर नहीं पहचान रहे तो मैं बता दूं कि ये रोहू है, जो अपने यहाँ इंडिया में रोहू होता है। तो अभी चलिए इसको धो करके लाता हूँ और बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा दूँ फ्रेंड्स, कैसा टाइम है, मतलब कैसा नज़ारा है फ्रेंड्स। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जूम करने पे सही नहीं दिखेगा तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ, यहाँ देख सकते हैं। और मैं वहाँ पे जाऊँगा धोने के लिए, वहाँ जो लाइट जल रहा है ना वहीं पे है, मतलब पानी का व्यवस्था हमारा। और रात का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैं अकेले ही रहता हूँ और मतलब मज़ा आता है, मैं एकदम सुकून में रहना पसंद करता हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा हंगामे में नहीं। अगर हंगामा हो तो बस कोई अपना ख़ास आदमी हो जिससे बात करने में थोड़ा अच्छा लगे, बाकी फालतू लोगों की हंगामा मुझे मतलब जैसे लगता है पसंद नहीं आता है। तो चलिए अभी धो दा के लाऊं, और उसके बाद धो करके क्या करूंगा फिर इसमें हल्दी और हल्का नमक लगा करके रख दूंगा। तब तक प्याज व्याज काट करके इधर तैयार हो जाएगा, मतलब कि वो पानी मछली वाला तैयार हो जाएगा, उसके बाद इसको फ्राई करके उसी में डाल दूंगा, इसी तरह से मैं बनाऊँगा। तो चलिए पहले धोकर ला लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ फ्रेंड्स। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट कर लूँ फ्रेंड्स, कि बहुत भाई लोग हैं हमारी वीडियो को देखते हैं, लास्ट में भूल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ दिल से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत मेहनत से मैं ब्लॉग बनाता हूँ, अभी देखिए इतना टाइम होने के बाद भी मैं खाना बनाऊँगा, ब्लॉग बनाऊँगा, साथ में दोनों काम करूँगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत भी लगेगा। तो बस उसी मेहनत के लिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दिन में टाइम नहीं मिल पाता है फ्रेंड्स, इसीलिए दिन में अच्छे से मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाता हूँ, इसीलिए अपने टाइम में रात में ब्लॉग शूट करने में मुझे मतलब ज़्यादा सुकून रहता है। तो चलिए ठीक है, मैं धो करके आता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी मछली धो करके ला दिया हूँ, आइए आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से है। यहाँ देखिए मछली धो के ला दिया हूँ और इसमें हल्दी लगाया हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हल्दी ऐसे क्यों दिख रहा है, यहाँ देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं ये बाहर है, क्या ही किया जा सकता है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए मैं बोला था इसके मतलब जो हमारा कपिल बूढ़ा है उसके नाती से कि
कि तुम जाना तो कोरकम लेते आना, हल्दी लेते आना। तो हल्दी इतना उसको दिमाग नहीं है कि पाउडर नहीं लाया, ये देखिए खड़ा वाला हल्दी ला करके दे दिया। अब क्या ही किया जा सकता है, किसी न किसी तरह इसको छीलता हूँ, छील के धो करके कूटता हूँ, और कूटने के बाद पाउडर हल्दी और ये वाला हल्दी एक जैसे तो नहीं हो सकता है ना। तो अभी देखिए तेल भी डाल दिया हूँ इसमें और अभी स्टार्ट करूँगा इसका फ्राई। तो गैस जला लूँ फ्रेंड्स और देखते हैं कि बहुत दिन बाद चल रहा हूँ ये फ्राई करने, हो जाता है कि नहीं बढ़िया से। ये देखिए अब ये तेल पूरा गर्म हो जाए, फ्राई कर लूँगा और इधर आपको दिखाऊँ तो इधर देखिए प्याज भी काट के रख लिया हूँ, ये भी रेडी है और ये कम और भी रेडी है। इसमें देखिए हल्दी मिर्च और ये क्या बोलते हैं लहसुन कूट के रख लिया हूँ, बाकी और चीज़ तो कुछ कूटना है नहीं क्योंकि मछली मसाला है मेरे पास। इसमें मछली मसाला किधर है, ये सब मसाला है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए ये सब्जी मसाला है, सांभर पाउडर और ये है हमारा फिश मसाला और ये है, ये भी सब्जी मसाला है, कौन सा करी पाउडर और ये है चिकन मसाला। हाँ यहाँ चिकन मसाला, ये बिरयानी मसाला और ये है मटन मसाला, मतलब कि हर प्रकार का मसाला है मेरे पास, बस हल्दी नहीं है। वो भी अबकी बार बोला था मैं हल्दी लाने के लिए लेकिन हल्दी लाना भूल गया। तो चलिए देखते हैं अभी इसको फ्राई व्राई कर लेते हैं, और फ्राई करने में मुझे पता नहीं है कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा कि सीधा सीधा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तेल पूरा गर्म हो गया है, यहाँ देख सकते हैं पूरा धुआं निकल रहा है, मुझे कहीं डर है कि कहीं आग न लग जाए तो इसीलिए थोड़ा डर से ही डालूंगा फ्रेंड्स। और अभी डालना स्टार्ट करूंगा, ओहो हाथ से छूट गया यार देखिए, यार देख सकते हैं कितना डाल दिया, 3 और ये हो गया 4, बाकी 3 बाद में कर लूँगा। ये वाला साइड हो गया, हाँ अच्छा चलिए ठीक है। अभी इसको फ्रेंड्स जानते हैं कि ये गैस बहुत ज़्यादा है ना, तो कुछ टाइम तक इसको ऐसे ही छोड़ूंगा। अगर इसको अभी लगूंगा डुलाने ना ये मछली मेरा टूट जाएगा, और ये जैसे बर्फ़ वाला है ना तो इसको बहुत ही ध्यान से तारना पड़ता, नहीं तो ये तुरंत टूट जाता है। तो चलिए देखते हैं अभी इसको मतलब कि कितना बढ़िया फ्राई कर लेता हूँ, बढ़िया से कर लेता हूँ कि नहीं कि टूट जाता है। फ्राई करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ फ्रेंड्स, ऐसे डर है ना, वीडियो एक हाथ से बनाऊँगा एक हाथ से मछली डालूँगा तो जलने का डर है। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों को दिखाऊँ तो आधा मछली मतलब कि 7 पीस में 4 पीस में फ्राई कर लिया हूँ, यहाँ देख सकते हैं कैसा किया हूँ, थोड़ा भी टूटा नहीं है फ्रेंड्स, देखिए दोनों तरफ से एकदम एक बराबर से। और ये 3 और बचा है जो कि फ्राई कर रहा हूँ, और एक तरफ अभी रख दिया प्याज गलने के लिए, इसमें मसाला वसाला पका करके पानी उनी डाल के पका दूंगा तब तक वो फ्राई भी हो जाएगा, और जैसे उधर खाली हो जाएगा ना उधर मैं चावल भी रख दूंगा, शायद साथ में ही हो जाएगा। और ये वाला चूल्हा फ्रेंड्स ये भी जलता है लेकिन इधर जलाता हूँ ना तो इधर आग लग जाता है, तो इसके वजह से इसको जल्दी मैं जलाता नहीं हूँ। जैसे अगर मैं हूँ यहाँ पे तो बंद कर दूंगा, नहीं तो बाहर चला जाऊंगा तो आग जलते जलते क्या पता ये पाइप है ना पास में ये पाइप जल जाए तो फिर बहुत खतरा हो जाएगा ना, इसलिए इसको मैं यूज नहीं करता हूँ। तो चलिए अभी फ्राई कर लूँ। तो फ्रेंड्स अभी मछली फ्राई का काम ख़त्म हो गया और आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ देख सकते हैं मछली फ्राई करके रख लिया हूँ, एकदम खाने लायक हो गया क्योंकि इसमें मैं पहले नमक भी डाला था, और मेरा प्याज देखिए गल गया था तो अभी मसाला डाल दिया हूँ और इधर चावल भी रख दिया हूँ, अभी साथ में मेरा सारा काम हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं। पता नहीं मुझे तरीका तो पता नहीं है, ये इसी तरीका से मतलब मसाला भूजते हैं ना, मालूम नहीं अपने खाना है, मैं कभी खाना बनाने में टेंशन नहीं लेता हूँ और जैसे इच्छा करता है ऐसे बनाता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन ऊपर वाले की दया से खाना अच्छा बन जाता है मेरा। और टाइम अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए 9:58 मतलब कि 10:11 12:28 हो रहा होगा इंडिया में। और फ्रेंड्स कुछ भाई लोग पूछ रहे थे कि सुबह कितना बजे आप उठते हो, शाम को कितना बजे सोते हो, कई घंटे की ड्यूटी होती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कुछ भाई लोगों को कि हाँ मजरे के काम में कोई टाइमिंग नहीं होती है, आदमी मतलब कि ये लोग कपिल लोग जब भी बोल देंगे ना तो काम करना पड़ेगा, कोई भी इन लोगों के घर में भी काम है तो ये लोग बुला लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जब से आया हूँ अभी ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, अपने घर का काम बुला के नहीं कराया है। हाँ इसके बाहर घर के बाहर में थोड़ा सा
एक कांटा वाला पता नहीं कौन सा, जो अपने तरफ एक कांटे वाले बबूर का पेड़ नहीं होते उसी तरह से उगा हुआ था, तो उसी को एक बार साफ कराने के लिए बुलाया था, नहीं तो ऐसे कभी काम कराने के लिए नहीं बुलाता है। और मैं रियाद में था तो वहाँ भी उसके अंदर घर के अंदर मतलब जाके मैं काम किया था, वो भी घर के अंदर एक बरामदा की तरह बनाया गया था, तो उसके अंदर मतलब घास वो जम जाते थे तो उसी को साफ करने के लिए गया हूँ। वो हमेशा बुलाता था लेकिन ये आदमी नहीं बुलाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे घर के इधर भी इधर भी इधर भी चारों तरफ फैमिली है इसके, मतलब लड़के के बच्चे बच्चे हैं। और रात में खास करके मैं ज़्यादा निकलने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि रात में अगर ज़्यादा निकलूँगा तो इधर भी बच्चे खेल रहे हैं, इधर भी कम से कम एक दिन मैं गिना था ना छोटे बड़े लेकर के, तो पता नहीं 25-26 ऐसे गिना था बच्चे, मतलब कि ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा ज़्यादा 8-9 साल से नीचे, तो अभी बड़े बड़े भी होंगे। और रात में सब बड़े बड़ी लड़कियाँ लड़के सब लोग घूमते हैं, तो मैं निकलूँगा ना जैसे निकलता हूँ, कभी कभार गलती से निकल जाता हूँ, तो लोग जैसे जो बड़ी बड़ी लड़कियाँ लोग हैं तो मुझे जैसे देखते हैं ना वो लोग भाग जाते हैं वहाँ से, तो मुझे मतलब बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है कि मैं क्यों निकला, इसीलिए मैं निकलता नहीं हूँ फ्रेंड्स। मान लीजिए थोड़ा डर की बात भी है ना, जो भी कहना है साफ साफ कहना है, थोड़ा डर भी लगता है मुझे कि अगर कोई बात हो गया तो सीधा काट देंगे तो चलिए ठीक है, अभी देखते हैं कब तक बनता है फ्रेंड्स खाना। और इसमें अभी देखिए क्या करूँगा, जो मसाला मैं भूज रहा हूँ, मसाला भूज जाने के मतलब कि पक जाने के बाद इसमें डालूँगा पानी। अब पानी मेरा जब बदक जाएगा, इसको थोड़ा गैस कम कर दूँ, जब मेरा पानी बदक जाएगा फ्रेंड्स इसका मतलब पक जाएगा, तो पानी भी पक जाएगा, उसके बाद मछली डालूंगा और ज़्यादा ज़्यादा 5-7 मिनट, और उसके बाद उतार दूंगा। इसी तरीके से बनाता हूँ, तो चलिए अभी उतारने के बाद ही मिलूंगा इकट्ठा खाने के टाइम में, और देखते स्वाद कैसा हुआ है और देखने में भी कैसा लग रहा है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी खाना हमारा बन गया और अभी चल रहा हूँ खाना खाने के लिए, आइए आप लोगों को दिखाऊँ। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है हमारा चावल जो कि बन गया है, और इधर है मछली, इधर देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स चावल को मैं ढक दूँ, इधर से बाफ आ रहा है ना, तो कैमरा मेरा अच्छे से दिख नहीं रहा। यहाँ अभी देखिए मछली भी बन गया, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को अच्छे से, थोड़ा जूम कर दिया। यहाँ देखिए स्वाद अच्छा आ रहा है, अभी देखते हैं खाने में कैसा स्वाद रहता है फ्रेंड्स। तो अभी इसको मैं निकाल लूँ खाना, और अपना कैमरा रख दूँ थोड़ा सा दूरी, ताकि आप लोग भी देखते रहें। चावल निकाल लिया, अभी मछली भी निकाल लूँ। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ही निकाला हूँ मछली, मतलब मछली तो दो निकाल लिया हूँ, 7 डाला था, 1 खा लिया, 6 बचा है, 2 इस वक्त खा लूँगा और 4 जो बचेगा उसको 2 टाइम में खा लूँगा। और अभी नज़दीकी से दिखाऊं तो यहाँ देखिए, और इसका स्वाद अभी टेस्ट करूँ फ्रेंड्स, इसका स्वाद कैसा हुआ है। टाइम तो लगा, देखिए रात ज़्यादा हो गया, 10:30 उसके करीब में हो गया होगा, मेरे पास अंदाज़ा टाइम बता रहा हूँ, ये देखिए 10:30 हो गया, मतलब 11:12:01 इंडिया में 1 बज गया होगा, 1:01। तो अभी इसको टेस्ट करूँ फ्रेंड्स, इतना मेहनत से बनाने पे जानते हैं थोड़ा स्वाद नहीं रहता, फिर भी अच्छा लगता है, और काम करके आदमी को एकदम पूरा भूख लगा रहता है ना, एकदम मस्त बना। नमक थोड़ा सा लगता है टाइट हो गया है लेकिन चलेगा, चलने वाला है। तो बस फ्रेंड्स यही है हमारा लाइफ, जो भी करता हूँ दिखाता हूँ, मतलब जो दिखाने लायक रहता है दिखाता हूँ, जो बताने लायक रहता है अच्छाई हो बुराई हो सब कुछ बताता हूँ, अच्छाई बताता हूँ तो अच्छा लगता है सबको, कुछ गलत चीज़ हो जाता है मेरे साथ वो बताता हूँ तो लोग मज़े लेते हैं और गलत कमेंट भी करते हैं। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप लोगों के हर एक कमेंट से मुझे कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो चलिए वीडियो क्लोज करता हूँ, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं या हमेशा आते हैं वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ दिल से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।